आप सब लोगों में से मैं एक सुखी आदमी ढूंढना चाहता हूं। किसी आदमी के दिल से यह भाव निकल ही नहीं सकता कि मैं सुखी हूं। अब बताओ, है कि नहीं तुम नाटकी झूठे आदमी? कैसे बन ठन के घूम रहे हो सुखी और है नहीं सुखी बिल्कुल, और बन ठन के ऐसे घूम रहे हैं कि भाई चारों तरफ से समुद्र की बराबर सुख भरा पड़ा है। ये दुख आया कैसे? सदैव नहीं रहता कुछ। भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, इंद्र आदि देवता पिता की संपत्ति के मालिक बने, यानी कि देवों ने जन्म लिया अदिति के गर्भ से। जैसा व्याख्यान था वैसी कथा। सदैव दिन एक जैसे नहीं रहते किसी के। बिना दान बिना पुरुषार्थ के स्वर्ग भी अपना नहीं रह सकता। सुख नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए कथा सुनानी पड़ रही है। सुख कैसे उपजता है, सुख का जन्म कैसे होता है, वो कथा है। महर्षि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों के बालकों को समय पर संपत्ति का बंटवारा करके महर्षि भजन के लिए चले गए। पहले ऐसा ही हुआ करता था, बच्चे सवारने लायक हो जाते थे तो लोग समय पर त्याग कर देते संसार का और बुढ़ापे को सम्मान पूर्वक भगवान के भजन में जीते। बंधुओं, आप जितने अपनों के साथ में बुढ़ापा गुजारेंगे उतना ही आपकी ख्वारी होगी। बुढ़ापा हमेशा भगवान के साथ गुजारो, भगवान के साथ। जिनको अपना मान के गुजार रहे हो वहां ख्वारी है ख्वारी। 8 दिन में एक दिन भी किसी ने कुछ ऐसा कह दिया तो अगले 8 दिन तक दादी के पानी नहीं जावे, रोटी ना जावे, नींद ना आवे। उन बातन को ले लेके रोमती रहवे, रोमती रहवे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ना रोएं। और घर गृहस्थ में तो 4 बात कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, पर वो सहन नहीं होती बुढ़ापे में। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप बुढ़ापे को भगवान को समर्पित करके जियो। देवताओं को स्वर्ग मिला हिस्से में और दिति के पुत्र दैत्य हैं, राक्षस हैं, उन्हें पाताल का लोक मिला। भूगोल की दृष्टि से, पुराणों की दृष्टि से पाताल लोक कहते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा आदि को। अपार संपत्ति मिली उनको, पर शास्त्र कहता है संस्कारहीनो न पुनन्तु वेदः। संस्कारहीन आदमी को कितना भी धन दे दो वो उसके कभी काम आने वाला नहीं। इसलिए राजस्थान में एक कहावत है, पूत कपूत तुका धन संचय, पूत सपूत तुका धन संचय। कपूत के लिए भी धन और सपूत के लिए भी धन की जरूरत नहीं है। कपूत धन का नाश करेगा और सपूत को धन चाहिए नहीं। इसीलिए वेद कह रहा है संस्कारहीनो न पुनन्तु वेदः। वेद भी, वेद के बड़े बड़े मंत्र भी, बड़ी बड़ी यज्ञ अनुष्ठान, गंगा यमुना कावेरी का स्नान, व्रत उपवास, यह भी पवित्र नहीं कर सकते उसे जिसका संस्कार अच्छा नहीं है। संस्कार जिनके अच्छे हैं उनके जीवन में गलतियां हो जाती हैं, उनको तीज त्योहार पर्व गंगा यमुना पूजा पाठ सब पवित्र कर देते हैं, पर जिनके संस्कार खत्म हो गए उन्हें कोई पवित्र नहीं कर सकता। बंधुओं, जिन्हें स्वर्ग मिला हो
जिन्हें खजाने मिले हों, कुबेर जैसी मालकी मिली हो और वो भीख मांग रहे हों धरती लोक पर, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। आज सब देवता धरती पर भिक्षा मांग रहे हैं। गरीबी कैसे आ गई? क्योंकि भक्त प्रह्लाद, नरसिंह भगवान अवतार लेकर प्रह्लाद की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें बर दे गए थे कि हे वत्स, तेरे पितरों का तो कल्याण हो गया, अब तेरे पोतों का भी कल्याण होगा, तेरी भक्ति के कारण मैं वर दे रहा हूं कि तेरे वंश में तीसरी पीढ़ी में मेरा आगमन होगा। पुनः प्रह्लाद के पुत्र के रूप में विरोचन का जन्म हुआ और विरोचन के घर में पुत्र के रूप में राजा बलि का जन्म हुआ। त्रविधो दानम न यज्ञ भूयस्य ब्राह्मणो गति। राक्षस कुल में एक ऐसा बालक पैदा हुआ भगवान के वरदान से कि वो दैत्यों में देवताओं के समान दानी, धर्मात्मा, यज्ञ करता और ब्रह्म पूजक। यहां जाति धर्म दोनों समझ लो आप। देवता धरती पर भीख मांग रहे हैं, जिन्हें स्वर्ग प्राप्त हो गया, वो भीख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनके पुण्यों से उन्हें संपत्ति पितरों की, माता पिता की, दादा दादी की प्राप्त हुई। और राक्षस स्वर्ग में जाके राजगद्दी इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से यज्ञ दान करके स्वर्ग की गद्दी को जीत लिया। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को माता पिता की प्रॉपर्टी बहुत सारी प्राप्त हो जाती है, ये पुण्य है, मिली ये बहुत अच्छी बात है, पर उस संपत्ति को अगर तुमने भोगा, उस संपत्ति को अगर तुमने सत्कर्म में दान नहीं किया, हवन नहीं किया, आचार्य भोजन नहीं कराया, दीन दुखियों की सेवा नहीं की उस संपत्ति से, तो आप लिख लेना, पितरों की संपत्ति खत्म हो जाएगी और आप भिक्षा बन जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। अगर पुण्य से स्वर्ग मिलता है तो स्वर्ग को कायम रखने के लिए यज्ञ, तप, दान, कथा, भागवत करते रहना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका स्वर्ग चला जाएगा। केवल इंद्रदेव कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, महात्मा गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, स्वर्ग भी अंत देह दुखदाई, स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला ही बनता है, क्योंकि स्वर्ग में पुण्यों का खजाना जब खत्म हो जाता है तो स्वर्ग एकदम वहीं से पटक देता है और सीधा व्यक्ति नरक में आके गिरता है। इसीलिए पहले पहले तो स्वर्ग की कामना ही मत करो, वो अच्छी चीज नहीं है। स्वर्ग में जाना अच्छा नहीं है, स्वर्ग की कामना करना भी अच्छा नहीं है। कामना ही पैदा हुई है दिल में तो कामना परमात्मा के चरणों की प्राप्ति की करो, भगवत चरण प्राप्त हो जाएं, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आप कितना भी भयंकर परफ्यूम सेंट छिड़क लो, पर कुछ घंटे के बाद पसीने की बदबू के कारण सेंट टिकता नहीं है, नहीं है। जैसे सेंट पसीने की बदबू के कारण ज्यादा देर टिकता नहीं है, ऐसे ही तुम्हारा सुख ज्यादा देर टिकेगा नहीं, स्वर्ग टिकेगा नहीं। वो खुशबू थोड़ी देर की है, पुण्य थोड़े देर के है। इसे स्वर्ग की कामना करना भोग ही है। कामना करनी है तो प्रभु प्राप्ति की, चरण प्राप्ति की, परमात्मा के चरणों के समर्पण की कामना करो। अरे भाई, कामना करने में समय गुजारना है, कामना करने में बुद्धि को व्यय करना है, कामना करने में मन को व्यय करना है, खर्च करना है, तो कामना अच्छी वाली होनी चाहिए।